हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेपरवाह आज़ाद। दोस्तों, मैं आज आपको एक खूबसूरत दुनिया की सैर कराने लेके जाने वाला हूं और वो दुनिया है पहाड़ों की दुनिया। तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहें और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल बेपरवाह आज़ाद। चलो सब हाय करो इधर। सो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ बानाच्छा वाटरफॉल, जो कि राजेंद्र ग्राम के पास है और इस लोकेशन की दूरी गौरेला पिंडरा से लगभग 60 किलोमीटर है। तो आप इसका अंदाज़ा IGNTU कैंपस से भी लगा सकते हैं कि ये कितनी दूरी पे होगा। लगभग आप 35 किलोमीटर मान सकते हैं। तो इस वाटरफॉल के ऊपर जो एक पार्ट सा क्षेत्र जो फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ पास ही हम अपने पिकनिक का लोकेशन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पास अभी हम जो रास्ता जा रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, वो वाटरफॉल का रास्ता है और इसके साइट पे ही हम अपना कैंप लगाएंगे, जहाँ हम कॉफ़ी, मैगी और बहुत सारा मस्ती करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरा यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी जो आप वीडियो पे जो खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर का जो मैकल रेंज है, उसका खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं जो दूर दूर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस खूबसूरत लोकेशन पे अगर आप आग जला के कॉफ़ी बनाएं, मैगी बनाएं, तो उसके कहने ही क्या है। तो बस हम अपने कार में कुछ सूखी लकड़ियाँ लेके आए थे, क्योंकि जो बारिश का मौसम था उसने ही हमारे मन में ये इच्छा प्रज्वलित की थी कि हमें चलना चाहिए पिकनिक के लिए। तो ये एक मेरा स्टोव है जो मैंने कुछ साल पहले परचेस किया था। ये जनरली जब भी हम कैंप पे जाते हैं तो इसमें लकड़ी डालिए, सूखी जलाइए और आनंद लीजिए अपने चूल्हे का। और हम कोई भी स्पिलेज वहाँ किसी भी नेचर लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ कोई भी प्लास्टिक बैगेज ये सब हम कभी वहाँ छोड़ के नहीं आते, उसको मैं साथ लेके आता हूँ और प्रॉपर उसको डिस्पोज करता हूँ, जिससे जो हमारा प्राकृतिक जो स्पॉट है वहाँ की खूबसूरती बरकरार रहती है और एक अच्छी ह्यूमन बींग की निशानी भी है। So, दोस्तों, देखते ही देखते समय बीतता चला जा रहा था। हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे, म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, डांस कर रहे थे और धीरे धीरे जो शाम है वो ढलने को जा रही थी। और क्योंकि हम पहाड़ के ऊपर थे तो रोशनी बरकरार थी लगभग 7:30 बजे तक, तो हम उसका आनंद ले रहे थे। और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सकर्शन बोल सकते हैं इसको, पास के लोकेशन में आपको जाना, और इससे आपका मन भी बहला रहता है और जीवन का आनंद भी आप लेते रहते हैं। तो गाइस, अगर आपने नियर बाय अपने सिटी के आसपास कहीं किसी लोकेशन में गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपनी कुछ मज़ेदार फ़नी स्टोरी मेरे साथ शेयर करें और मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा। और हमारा कॉफ़ी भी तैयार है, यहाँ पे गरम गरम पियेंगे और थोड़ा गरम करके। और ये हमने यहाँ पे टाइमर लगाया है, टाइम लैप्स लगाया है। सब तैयारी हो गया है।
गाइज, आप भी अपने फैमिली दोस्तों के साथ, काफ़ी पास है IGNTU कैंपस से, जैसा कि मैंने बताया 35 किलोमीटर, और गोरेला पेंड्रा से लगभग 60 किलोमीटर है, तो आप सैटरडे या संडे इस लोकेशन पे आ सकते हैं। खूब इंजॉय कीजिए, और जो अभी खासकर जो जुलाई से अक्टूबर या दिसंबर तक का जो महीना है, जिसमें बारिश और ठंड का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, तो इस पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस होते हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो इन सब खूबसूरत नज़ारों का लुफ्त लीजिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं, मैं उसमें सफल होने की शुभकामनाएँ करता हूँ। तो इस व्लॉग को मैं अपने वॉइस ओवर में तो अभी यहाँ एंड करता हूँ, और एंड करने से पहले मैं एक लाइन कहूँगा कि घर से निकला हूँ तो निकला है घर भी साथ मेरे, घर से निकला हूँ तो निकला है घर भी साथ मेरे, देखना ये है कि मंजिल पे कौन पहुँचेगा। मेरी कश्ती में भंवर बांध के दुनिया खुश है, दुनिया देखेगी कि साहिल पे कौन पहुँचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से फ़िलहाल के लिए अलविदा लेता हूं, और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार करें, और मैं इस तरह के बेहतरीन व्लॉग आपके सामने हमेशा लाते रहूंगा। हर्ष यादव साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव।